केंद्र सरकार के किसान विरोधी कानून और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस ने 7 किलोमीटर बैलगाड़ी से पैदल यात्रा निकाली है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया है, जहां पुलिस और कांग्रेसियों के बीच झूमाझटकी भी हुई है। वहीं बोरतरा से भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता गाड़ी के काफिले के साथ बरमपुर पहुंचे, जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष सागर सिंह ने सभा को संबोधित किया है। वहीं जिला प्रभारी सीमा वर्मा, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष माया रानी सिंह और अन्य पदाधिकारी कार्यों ने कार्यकर्ताओं का संबोधित किया। आज जिला के और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश और हमारे मुख्यमंत्री के अनुसार जो पद यात्रा निकाले गए हैं, जो किसान केंद्र सरकार की काला कानून लागू किए हैं, उसके विरोध में सारे किसान लोग, पदाधिकारी लोग, कार्यकर्ता जितने भी उपस्थित हैं, सब यात्रा में शामिल हुए हैं। तो इसके विरोध में गांव गांव जागरूकता फैलाने के लिए, गांव के किसानों को जागृत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा यह पदयात्रा आयोजित है। और आप देख रहे हैं कि सारे पूरा जिला जो है, पूरे जिले के चाहे महिला कांग्रेस हो, चाहे युवा कांग्रेस हो, चाहे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हो, सारे लोग एकजुट होकर आज मैदान में उतर चुके हैं। और मान के चलिए ये एक संक्रांत है, मुंगेली जिले में आने वाला समय कांग्रेस का समय है। दिल्ली में प्रदेश के किसान वहाँ धरने में बैठे हैं। 3 काला कानून जो मोदी सरकार ने अपने देश लगाया है, उस कानून के खिलाफ जो किसानों के अहित होगा, इसलिए उन्होंने वहाँ पे पता दिया है। उनके समर्थन में हमारे छत्तीसगढ़ में